नहीं राहुल। नमस्ते, थोड़ा ऊर्जा बढ़ाते हैं। नमस्ते नमस्ते। कुछ सदियां पहले हमें इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। 33% इकोनॉमी थी, 30% हमारा ट्रेड था। आज हम 2.36% हो गए हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, 0.8% ग्लोबल ट्रेड हो गए। कभी इंडिया डूब भी जाएगा तो मुझे लगता है बाकी का विश्व श्रग करके बोलेगा ये अच्छा कंट्री था। हमें अपने आप को रेलिवेंट बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर वर्ल्ड में कोई कंट्री है नहीं और इससे बेहतर इंडियंस जैसे इस विश्व में है नहीं। मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था और 23 कंट्रीज में मैं कंसल्टेंसी करता था और वहां के लोगों की लाइफ देख के मुझे लगता था कि इंडिया में ऐसे कब तक, जो कॉमन आदमी जो डिग्निटी से जीता था वो इस तरह की डिग्निटी हमारे लोगों को कैसे मिल सकती है। हमारे, मैं हिंदू हूं, हमारे में बिलीव करते हैं कि 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य जीव मिलता है, तो लाइफ में कोई पर्पस भी होता है। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैं इंडिया आ गया। अन्ना जी के साथ मिलकर मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह ड्राफ्ट किया, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू की केजरीवाल और अन्ना के साथ। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बनी और मुझे समझ में लगा कि मैं पॉलिटिक्स के लायक नहीं हूं और मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया। लेकिन देश बदलने की इच्छा तो थी और गांधी जी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो मैंने ऐसा ही कुछ गांव सिलेक्ट किए मराठवाड़ा में जहां सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या होती थी और उनके घर जाके बैठता था और मैं गांव के अंदर रहने लगा और मैं देखता था कि जो आत्महत्या होगी वो एजुकेशन के कारण नहीं हो रही है, वो हेल्थ केयर के लिए नहीं हो रही है, ये इकोनॉमिक कारण से हो रही है, पैसे नहीं है। तो इनकी इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हमने उनको सजेस्ट किया, उनके क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, ट्रेनिंग किया, मार्केटिंग किया। जो पहले 10 से 15 हजार रुपए एकड़ का कमाते थे अब वो प्लांट चेंज करके फ्रूट के ट्रीज लगा के करीब 2 लाख रुपए एकड़ का कमाने लगे। लास्ट 3 साल में हमने 1,66,00,000 फल के पेड़ लगाए हैं और 15,000 से ज्यादा किसानों की पूर्ण तरीके से लाइफ बदल दी। अब आप इतना सोचिए कि जो इस देश के अंदर किसान की टिपिकली इनकम 10 से 40 हजार रुपया एकड़ है, अगर आप इसको 2 लाख रुपया एकड़ कर दे तो इंडिया वापस सोने की चिड़िया हो सकती है क्या? बस तो यही कोशिश रहेगी पूर्ण देश में, मेरी जिंदगी जब तक है तब तक मैं यही कोशिश करूंगा कि इंडिया वापस सोने की चिड़िया कब तक। और ये इकोनॉमी से ही होगा, बाकी हम सारी बातें कर ले, सब कुछ बहुत आवश्यक है, लेकिन विश्व के अंदर अगर इंडिया का वापस टंका बजाना है, अगर हमारे किसान भाई को इस देश को वापिस खड़ा करना है तो इसमें इनकम बढ़ाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं। और इसके अंदर 4 चीज है, फोकस, स्केल, स्पीड और इम्पैक्ट। ये चारों चीज के ऊपर अगर हम जोड़ दें तो ये वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। और ये जो है ये मेरा और सुशील जी का मुहिम नहीं है, ये हम सबका मुहिम है। लेट्स ऑल कम टुगेदर, लेट्स मेक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। वो